आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यद्यपि यह बहुत आसान लगता है, लेकिन यदि आपका कॉन्सेप्ट शुरू से ही क्लियर है तो आप अंग्रेजी भाषा के बाकी सभी कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय भूपेंद्र सर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बहुत ही शुरुआत का चैप्टर है यह इंग्लिश का, और इसको यदि आप समझ जाते हैं तो बाकी सभी चैप्टर्स को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। इसलिए इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स के आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट वन इज अभिजय इज गोइंग टू स्कूल, अभिजय नाम का एक बच्चा है जो स्कूल जा रहा है। दूसरा, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन द ट्रीज, जो चिड़िया है पक्षी है वो कहाँ घोंसला बनाते हैं, पेड़ों में। हियर कम्स द बस, बस यहाँ आती है। अ व्हाइट हॉर्स इज रनिंग वेरी फास्ट, एक सफेद घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है। स्टैंड अप, इट मीन्स यू शुड स्टैंड अप, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, यू शुड स्टैंड अप। एंड लास्ट, अ गुड स्टूडेंट इज ऑलवेज पंक्चुअल, एक अच्छा विद्यार्थी हमेशा समय का पाबंद होता है। तो इन उदाहरणों की सहायता से हम समझने का प्रयास करेंगे। ये सारे सेंटेंसेस हैं और सेंटेंस की परिभाषा से आप भली भांति जानते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, है ना। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। प्रत्येक सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे यहाँ अभिजय इज गोइंग टू स्कूल, ये अभिजय है। अगर हम पूछते हैं हु इज गोइंग टू स्कूल, आंसर होगा अभिजय। सो अभिजय इज द सब्जेक्ट, यहाँ हम अभिजय के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए अभिजय क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मतलब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम का करने वाला है करता है, या तो वो सब्जेक्ट होता है या फिर जिसके विषय में कोई बात कही जा रही है। जैसे यहाँ पर अभिजय के विषय में कही जा रही है कि अभिजय इज गोइंग टू स्कूल, तो अभिजय क्या हो गया, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। और ये बच्चे वाला हिस्सा है जो इज गोइंग टू स्कूल, ये हो गया इसका प्रेडिकेट। तो ये समझने वाली बात है, प्रेडिकेट। तो इसको आपको समझना है, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया आपका प्रेडिकेट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, बर्ड्स बिल्ड ए नेस्ट इन द ट्रीज, है ना, चिड़िया जो है पक्षी में घोंसला बनाते हैं। किसके विषय में बात कर रहे हैं, बर्ड्स, तो बर्ड्स हो गया सब्जेक्ट। और बर्ड्स के बारे में क्या कहा जा रहा है, बिल्ड ए नेस्ट इन द ट्रीज, पेड़ों में घोंसला बनाती हैं चिड़िया। तो जो जो डूअर ऑफ द एक्शन है बर्ड्स, और बर्ड्स के बारे में क्या कहा जा रहा है, बिल्ड ए नेस्ट इन द ट्रीज। तो ये दूसरा भाग जो है, ये भाग है प्रेडिकेट, ये जो दूसरा भाग है ये हो गया प्रेडिकेट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। वेट जस्ट वन मिनट। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये वाला हिस्सा हो गया सब्जेक्ट और ये वाला हिस्सा हो गया आपका प्रेडिकेट। वैसे हियर कम्स द बस, बस यहाँ आती है, यहाँ हम बात कर रहे हैं बस के बारे में। तो बस हो गया सब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट हो गया प्रेडिकेट। अ व्हाइट हॉर्स इज रनिंग वेरी फास्ट, तो ये एक सफेद घोड़ा, ये हो गया सब्जेक्ट, और रिमेनिंग पार्ट इज रनिंग वेरी फास्ट, ये हो गया प्रेडिकेट। स्टैंड अप, यहाँ पर यू छुपा हुआ है, यू इज द सब्जेक्ट, यू इज हिडन, यू इसमें शामिल है। तो इस स्टैंड अप इस सेंटेंस का मतलब होगा यू शुड स्टैंड अप, तो ये यू हो गया सब्जेक्ट और बचा हिस्सा हो गया प्रेडिकेट। वैसे अ गुड स्टूडेंट इज ऑलवेज पंक्चुअल, अ गुड स्टूडेंट, तो ये पूरा हो गया सब्जेक्ट और बचे वाला हिस्सा हो गया प्रेडिकेट। तो इस तरह आपने समझा कि अबाउट होम आर विच समथिंग इज सेड दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, और द डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, जो काम का करने वाला है वह करता है, अथवा जिसके विषय में कोई बात कही जा रही है उसे कर्ता कहते हैं, और उसके बारे में जो भी बात बताई जाती है, कर्ता के संबंध में हम जो भी बात कहते हैं उसे कहते हैं प्रेडिकेट। आगे हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभिजय है, ये सिंगल वर्ड है, बर्ड्स यहाँ पर सिंगल वर्ड है, हियर कम्स द बस, बस भी सिंगल वर्ड है, मतलब एक ही सब्जेक्ट सिंगल वर्ड है वो सब्जेक्ट है। यहाँ अ व्हाइट हॉर्स
तीन वर्ड है, अ व्हाइट हॉर्स, ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे तीन शब्द सब्जेक्ट है, यहाँ पे स्टैंड अप, यहाँ पर सब्जेक्ट छुपा हुआ है, अंतर्निहित है, शामिल है। इसके बाद अ गुड स्टूडेंट, तीन वर्ड है, तीन वर्ड्स है, मतलब सब्जेक्ट एक अकेला भी हो सकता है, एक से अधिक शब्दों से मिलकर भी सब्जेक्ट बन सकता है, या फिर छुपा हुआ भी हो सकता है, अंतर्निहित भी हो सकता है, शामिल भी हो सकता है। जैसे यहाँ स्टैंड अप में यह छुपा हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक वाक्य है, तो यहाँ पर यह छुपा हुआ है। अब देखते हैं, एवरी सेंटेंस दैट वी स्पीक आर राइट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जो भी वाक्य हम बोलते हैं या लिखते हैं उसके दो भाग होते हैं। पहला है, वी मस्ट टॉक अबाउट समथिंग, अबाउट सम पर्सन आर थिंग इफ वी टॉक एट ऑल। मतलब हम या तो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में बात कर रहे हैं तो वह हो जाता है सब्जेक्ट। दूसरा, वी मस्ट से समथिंग अबाउट दैट पर्सन आर थिंग, उस व्यक्ति या वस्तु या स्थान के विषय में हम कुछ बोलते हैं, तो जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और जिसके बारे में उसके बारे में जो कुछ भी बोला जाता है उसे कहते हैं प्रेडिकेट। तो यहाँ से हमने देखा, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू टॉक अबाउट, जिसके बारे में हमको बात करनी है वो होना चाहिए, वो होता है सब्जेक्ट, एंड वी मस्ट से आर प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहते हैं तो वो होता है प्रेडिकेट। तो इस तरह आपने देखा, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम कोई बात बोलते हैं वह होता है सब्जेक्ट, और उसके बारे में जो भी बात करते हैं वह होता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट मतलब होता है डूअर, सब्जेक्ट मतलब होता है डूअर ऑफ द एक्शन, और जिसके बारे में कोई बात कही जाती है, और उस सब्जेक्ट के विषय में जो भी कहा जाता है उसे कहते हैं प्रेडिकेट। यहां मैंने डिफाइन किया है सब्जेक्ट, दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच नेम्स व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट इज द सब्जेक्ट। मतलब कोई सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है, तो जिसके बारे में बता रहे हैं वह होता है सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के विषय में जो बात कही जाती है उसे कहते हैं प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट में कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड, और इट में कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मैं बता चुका हूं, सब्जेक्ट या तो एक अकेला वर्ड होगा या फिर एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना होगा। मतलब सब्जेक्ट में एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, और सब्जेक्ट दो तीन वर्ड से मिलकर भी बना हुआ हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अमित इज रीडिंग अ बुक, तो अमित जो है सब्जेक्ट है और बाकी बचा हुआ हिस्सा प्रेडिकेट है। एक ही शब्द है यहाँ पर, अमित ओनली वन वर्ड। अ गुड स्टूडेंट, यहाँ पर थ्री वर्ड्स हैं, थ्री वर्ड से मिलकर यह सब्जेक्ट बना हुआ है। अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी, इज ऑलवेज ओबीडियंट, तो यह हो गया प्रेडिकेट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अधिकांश वाक्यों में सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में होता है, परंतु बट दिस डज नॉट मीन दैट एनी अदर वर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस विल बी नेमिंग सब्जेक्ट, लुक एट द फॉलोइंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो किसी सेंटेंस के शुरू में जो शब्द है वह हमेशा सब्जेक्ट होगा, यह भी जरूरी नहीं है। जैसे एट द बॉटम ऑफ द रिवर ले हिज एक्स, उसकी जो कुल्हाड़ी है रिवर के बॉटम में पड़ा हुआ था, है ना, गहराई में, तो ले उसके तल में, ले मतलब पड़ा हुआ था, तो यहाँ जो एक्स है यह सब्जेक्ट है, लेकिन यह आखिरी में है। द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज हिज एक्स दोनों सब्जेक्ट है, बट द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द एंड। मतलब यह है कि जो जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट शुरू में ही हो या अंत में हो या बीच में हो, सब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, और यह भी जरूरी नहीं है कि किसी सेंटेंस के शुरू में आने वाले शब्द सब्जेक्ट ही हो। तो इसे आपको ध्यान में रखना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का अध्ययन करते समय। सब्जेक्ट इन एन इंपरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर्स, कमांड्स एटसेट्रा, जिन वाक्यों के द्वारा हम कोई आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, उन्हें कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो उसमें सब्जेक्ट कहाँ रहता है, आइए देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस और सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ब्रश योर टीथ, निश्चित रूप से कोई किसी को सलाह दे रहा है या आदेश दे रहा है, ब्रश योर टीथ। दिस सेंटेंस एक्चुअली मीन्स यू शुड ब्रश योर टीथ, यू छुपा हुआ है, यू शुड ब्रश योर टीथ, बट यू इज नॉट स्टेटेड, इट इज इम्प्लाइड। इम्प्लाइड है मतलब ये इसमें शामिल है, ये क्या है इसमें ऑलरेडी
ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, शामिल है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि यू पहले से ही शामिल रहता है, तो ये इसमें ऑलरेडी शामिल है, ठीक है, इंक्लूड है, इंक्लूड। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा सूचक वाक्य में यू छुपा रहता है, तो यू उसका सब्जेक्ट है, वह बाहर नहीं दिखता। ब्रश योर टीथ मतलब यहां पर यू शुड ब्रश योर टीथ, यू हो गया इसका सब्जेक्ट। अदर एग्जाम्पल स्टैंड अप, इट मीन्स यू शुड स्टैंड अप, है ना, खड़े हो जाओ मतलब तुमको खड़ा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो यू जो है यह सब्जेक्ट है, यू इसमें शामिल है ऑलरेडी, यह आपको ध्यान में रखना है। अदर एग्जाम्पल देखते हैं, वेट आउटसाइड, है ना, बाहर प्रतीक्षा करिए, इट मीन्स यू मे वेट आउटसाइड, ये आदेश दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट यू क्या है, छुपा हुआ है, यू मे वेट आउटसाइड। इन बोथ दीज सेंटेंसेज द सब्जेक्ट इज यू, इन दोनों ही वाक्यों में यू जो है सब्जेक्ट है, दो इट इज इम्प्लाइड एंड नॉट स्टेटेड, यद्यपि वह कहाँ है, छुपा हुआ है या इसमें शामिल है। इसको कहते हैं इम्प्लाइड मतलब होता है शामिल। इसमें क्या है, मुझे दिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, शामिल एंड नॉट स्टेटेड, जिसे कहा नहीं गया है। तो यहां पर यह ध्यान में रखें, इन एन इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्यों में द सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू, सब्जेक्ट हमेशा यू रहता है, बट इट इज नॉट स्टेटेड, बट इट इज नॉट स्टेटेड, इट इज इम्प्लाइड, वो उसे बोला नहीं जाता क्योंकि वह पहले से ही शामिल रहता है, उसमें शामिल रहता है या छुपा रहता है, छुपा रहता है। तो आज हमने पढ़ा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, बाकी ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहूँगा आप लोगों के लिए। और यदि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही मुझे यह बताएं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर नए वीडियोज़ चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।